मणिपुर के जिरिबम इलाके में जो मिलिटेंट्स का अटैक हुआ है, जिसमें 10 मिलिटेंट मारे गए हैं, ये एक एविडेंस है कि कैसे मिलिटेंसी की आग जो है मणिपुर में बढ़ती जा रही है। और ये इनवाइट करती है एक डिस्कशन, एक इंट्रोस्पेक्शन की क्या रीजन है कि मणिपुर में राइज इन मिलिटेंसी देखा जा रहा है, इसके कॉजेस क्या हैं और आने वाले समय में इसको एड्रेस कैसे किया जा सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं राइजिंग मिलिटेंसी इन मणिपुर के बारे में। इसके कॉजेस क्या हैं, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं और आगे आने वाले समय में इस इशू को हम रिजॉल्व करने का क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर हम रीसेंट इंसिडेंट की बात करें तो यहाँ पर जिरिबम इलाके में CRPF कैंप को टारगेट किया मिलिटेंट्स ने और वहां पर रिटेलिएशन फायरिंग में 10 मिलिटेंट्स, टारगेटेड मिलिटेंट्स को मार गिराया गया। अब ये जो अटैक है, बेसिकली ये जो ऑपरेशन है जिसमें 10 सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स को मार दिया गया बाय सिक्योरिटी फोर्सेस स्पेशली इन द जिरिबम डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में, ये एक सीरीज ऑफ अटैक्स के अंतर्गत हुआ है जहां पर ये मिलिटेंट्स जो है टारगेट कर रहे हैं ना कि सिर्फ CRPF कैंप्स, एरियाज, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सवाल उठाता है कि ये आखिर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो क्यों रहा है, क्या रीजन है, क्या मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से मिलिटेंसी जो है वो एक बढ़ता ट्रेंड दिखा रही है स्पेशली इन मणिपुर। सबसे पहले इसका रीजन है एथनिक एंड कम्युनल टेंशंस जो बहुत टाइम से इस पर्टिकुलर स्टेट में देखी गई है, स्पेशली बिटवीन कुकी, जो एंड मेथी ट्राइब्स। ये दोनों ही ट्राइब्स जो हैं इनके बीच में परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। कुकी जो ट्राइब्स जो हैं वो हिल्स में हैं और मेथी ट्राइब्स जो हैं, जो कम्युनिटी है वो वैली एग्जिस्ट करती है और इनके बीच में एक ट्रेडिशनल राइवलरी जो है वो रही है। और ये दोनों ही कम्युनिटीज जो हैं अपने अपने टेरिटरीज को क्लेम करने की बात करती हैं और इस वजह से इनके बीच कंपीटिंग डिमांड्स रहती हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके हो, लैंड के राइट्स को लेके हो या फिर ऑटोनॉमी को लेके हो। तो ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मिलिटेंसी जो है फ्यूल हो रही है इस रीजन में। इसके अलावा हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस की अगर बात करें, यहाँ पर आर्म स्ट्रगल की लेगेसी देखी गई है, इंसर्जेंसीज जो हैं स्पेशली जो डिमांड के लिए ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस के लिए, वो हमेशा ही एक आर्म्ड स्ट्रगल रही है जहां पर शो ऑफ फोर्स रहा है। और ये एक नया इंसिडेंट नहीं है, ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं स्टेट में कई बार देखे गए स्पेशली कुकी एंड अदर ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा। साथ ही साथ इन ट्राइब्स को फील होता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो कंसिडरेशन मिला, उनसे इनको एलिनिएट कर दिया गया और इनको ड्यू कंसिडरेशन नहीं दिएगा, इसीलिए ये साइडलाइन फील करते हैं और अपना प्रेजेंस मार्क करवाने के लिए एक वेपन जो की तरह यूज करते हैं, वो यहाँ पे मिलिटेंसी के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस रीजन में आफ्सपा का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। अगर हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की बात करें तो 1981 के बाद ये मणिपुर में लगातार लागू रहा है, 2004 के बाद ये सिर्फ इम्फाल के कुछ रीजन्स से हटाया गया है, बट ओवरऑल स्टेट में आफ्सपा जो है कॉन्टिन्यूसली लागू है और इस वजह से यहाँ पर मिलिट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो प्रेजेंस है वो वाइड स्प्रेड है और लोकल कम्युनिटीज को ये डर भय पैदा करती है और उनको एलिनिएटेड फील कराती है अपने ही घर में, अपने ही होमलैंड में इन्हें एलिनिएटेड फील कराती है। और इस वजह से यहाँ पर पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो इन तरह के अटैक्स के थ्रू मिलिटेंट्स जो अपना डिससेटिस्फैक्शन, रिजेंटमेंट जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टेट में इकोनॉमिक मार्जिलाइजेशन और साथ ही साथ अंडर डेवलपमेंट जो कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन के प्रॉब्लम्स के थ्रू काफी विजिबल है। लैक ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब अपॉर्चुनिटीज स्पेशली हिली एरियाज में, ये लोगों का रिजेंटमेंट जो है फर्दर फ्यूल करती है और यहाँ पर करप्शन स्पेशली पुअर गवर्नेंस की वजह से इकोनॉमिक चैलेंजेस को बढ़ावा मिलता हुआ दिख रहा है, जिसको यहाँ पे जो आम जनता है वो इससे काफी फ्रस्ट्रेटेड है और रिजेंटमेंट उनके अंदर पैदा हो रहा है
एक सर्टन अमाउंट ऑफ हेट्रेड पैदा हो रही है गवर्नेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं और पब्लिक को कोई एडवांटेज दिखता हुआ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एथनो नेशनलिस्ट मिलिटेंसी जो है वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। अगर हम एथनो नेशनलिस्ट मिलिटेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो एथनिसिटी है, जो एथनिक ग्रुप्स हैं, वो अपनी आइडेंटिटी नेशनलिज्म से एसोसिएट कर रहे हैं और वो अपनी आइडेंटिटी जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब ये जो इंसर्जेंसी के इंसिडेंट्स हैं जो देखे जा रहे हैं वो फ्यूल्ड हैं इस आइडिया से कि यहाँ पर एथनिक नेशनलिज्म, जहाँ पर ये ग्रुप्स जो हैं अपने आप को डिफेंडर्स या फिर प्रोटेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी के मानते हैं, और ये इंसर्जेंसी जो एक अटेम्प्ट है, ये जो एक्ट है, ये इसको आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ ये एक साइकिल ऑफ रिवेंज की तरह भी देखा जा रहा है, जहां पे मिलिटेंट्स जो हैं अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि ये एक रिटेलिएशन है। वो ये बता रहे हैं कि ये एक रिएक्शन है, जो वॉयलेंस एग्जिस्ट कर रहा है स्टेट में, हम इसे इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, ये बस एक रिएक्शन है जो उनके कम्युनिटी पर अटैक्स हुए हैं उनके लिए। इसके अलावा एक इसका बड़ा मेजर रीजन जो है क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट जो इंसर्जेंसी ग्रुप्स को मिलता रहा है और इस वक्त जो इंक्रीज हो गया है, इस वजह से हमें राइज ऑफ मिलिटेंसी देखने को मिल रहा है। आर्म्स एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है स्पेशली फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज लाइक म्यांमार, ये जो नेटवर्क है फैसिलिटेट करता है इंसर्जेंसी ग्रुप्स को इंडिया में। इसके अलावा स्मगलिंग एंड रिक्रूटमेंट, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रूट्स प्रेजेंट हैं स्पेशली आर्म्स के लिए, और इसके अलावा रिक्रूटमेंट ऑफ फाइटर्स के लिए, वो भी फैसिलिटेट कर रहे हैं इंसर्जेंसी जो प्रेजेंट हो रही है, जो बढ़ रही है मणिपुर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं प्रेजेंट हैं और जो फैसिलिटेट कर रहे हैं इंसर्जेंसी को, मिलिटेंसी को इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। और इसका जो इम्पैक्ट है वो किसी और स्टेट पे नहीं, इसी स्टेट के इन्हीं आम लोगों पर हमें देखने को मिलेगा। और अब हम इनके इम्पैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला और बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि लॉस ऑफ लाइफ। यहाँ पर इस रीसेंट अटैक में भी 10 सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स को आर्मी ऑफिसर्स ने मार गिराया है, दे हैव बीन किल्ड। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो लॉस ऑफ लाइव्स हुआ है ये फर्दर फ्यूल करेगा वॉयलेंस को, जिससे ये साइकिल जो है कॉन्टिन्यूड रहेगी, क्योंकि मिलिटेंट्स को फील होगा उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, और वो रिटेलिएट करने के नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे। अब इसकी वजह से कैजुअलिटी सिविलियंस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की और मिलिटेंट्स की भी बढ़ती रहेगी। साथ ही साथ जो एवरीडे लाइफ है उससे वॉयलेंस जो है उसे डिसरप्ट कर रहा है, चाहे वो अटैक विलेजेस पे हो, फार्म्स पे हो, मार्केट प्लेसेस पे हो। साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो ग्रोइंग नंबर ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस हैं, जिन लोगों को अपनी जगह बदलनी पड़ रही है इंटरनली अमंग्स्ट द स्टेट, वो बढ़ रहे हैं और उनको अपने घर, अपना होमलैंड छोड़ना पड़ रहा है वॉयलेंस की वजह से। साथ ही साथ यहाँ पर जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको तो लॉन्ग टर्म डिस्प्लेसमेंट या परमानेंट चेंज ऑफ प्लेस जो है फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें महिलाओं की और बच्चों की, ताकि ये इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से, इस वॉयलेंट सिचुएशन से बच सके। तो यहाँ पर ह्यूमंस जो हैं, जो आम जनता है, जो लोग हैं, उनको सफर करना पड़ रहा है डे टू डे लाइफ में, उनको डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ रहा है, लॉस ऑफ लाइफ, उनकी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो डिसरप्टेड है, और इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यहाँ के इकोनॉमी पे भी देखने को मिलेगा, चाहे वो डैमेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में हो या फिर जो लोगों की लाइवलीहुड्स हैं ऐसे वॉयलेंस की वजह से जो डिस्टर्ब हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है, चाहे वो फार्मर्स हो, ट्रेडर्स हो या फिर लोकल बिजनेसेस हो। साथ ही साथ ऐसे अटैक्स जो हैं, जो कि ऑलरेडी कम्युनिटीज के बीच में फाइट है, राइवलरी है, टेंशन है, उनके कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को फर्दर फ्यूल करती हैं, उनके रिलेशंस को स्ट्रेन बनाती हैं, क्योंकि जो ट्रस्ट है वो और फर्दर हाइटन हो जाता है इन फॉर्म ऑफ मिसट्रस्ट। स्पेशली हम अगर यहाँ पे कंसिडर करें मेथी कमिटी एंड
कोकी जो कम्युनिटी, सोशल फ्रेगमेंटेशन जो इन कम्युनिटीज की वजह से हो रहा है उनमें, वहां हम इंटर कम्युनिटी कंफ्लिक्ट देख सकते हैं, एथनिक डिविजन्स में फर्दर प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, और रिकंसिलेशन की अगर हम सोचे तो वो और फार फेच्ड ड्रीम लगता हुआ लगता है, क्योंकि रिकंसिलेशन जो है ऐसी सिचुएशंस में और भी डिफिकल्ट जो है होता जाता है। साथ ही साथ हमें मिलिटरलाइजेशन ऑफ सोसाइटी देखने को मिल रहा है, जहां पे सोसाइटी में आर्म्स एंड एम्युनिशन का यूज जो है फर्दर बढ़ता जा रहा है। एंड ऑन डे टू डे बेसिस अगर हम बात करें तो हमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर हम बात करें सिविलियन कैजुअलिटीज, आर्बिट्री अरेस्ट एंड अब्यूसेस, जो कि कई दफा सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा भी देखने को मिला है। साथ ही साथ ये एक बड़ा गवर्नेंस चैलेंज प्रेजेंट करती है, जिससे सिर्फ डे टू डे गवर्नेंस एक्टिविटीज हिंडर नहीं होंगी, डेवलपमेंट भी हिंडर होगा, लोगों की लाइव्स भी हिंडर होंगी, और इस जोन का जो एक इशू है कि अंडर डेवलप्ड है, यहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लैगिंग है, वो भी एड्रेस नहीं हो पाएगा, रादर फर्दर स्लो डाउन फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमें इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें, पॉलिटिकल टर्म्स में बात करें, ह्यूमैनिटेरियन टर्म्स में बात करें, ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव। और अगर हम इस सिचुएशन से निकलने का सोच रहे हैं, हम यहाँ से वे फॉरवर्ड के बारे में सोचें, तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि यहाँ से मिलिटरलाइज्ड वे में नहीं, रादर पीस टॉक्स और डिप्लोमेसी पे फोकस किया जाए, जहाँ पे डायलॉग एंड पीस टॉक्स के थ्रू इस पूरे इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर हम यहाँ पे वे फॉरवर्ड की बात करें तो फर्स्ट पैरामीटर आता है इनहैंस डायलॉग एंड पीस टॉक्स, जहाँ पे नेगोसिएशंस जो हैं इंक्लूसिव हों, जहाँ पे सारे मेन की स्टेक होल्डर्स, चाहे वो एथनिक ग्रुप्स हों, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हों, लोकल कम्युनिटीज हों, वो पीस टॉक्स में इन्वॉल्व हों, नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हों, अपनी डिमांड सामने रखें, और यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल सल्यूशन जो है वो बाहर निकल के आ जाए, जिससे वॉयलेंस से जो ये स्टेट इस वक्त परेशान है उस सिचुएशन से बाहर आ पाए। साथ ही साथ थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात हो रही है, जहाँ पे एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी जिसको कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा दोनों ही साइड से, उसको इन्वॉल्व किया जा सकता है, ताकि एक मीडिएशन हो सके पीस टॉक्स का और ट्रस्ट बने कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज में। साथ ही साथ जरूरी है कि ऐसे स्टेट्स में कॉन्स्टेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर हो और गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जाए। यहाँ पे अगर लोकल गवर्नेंस बॉडी को एम्पावर किया जाएगा तो जो इशू है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, जिसकी वजह से कम्युनिटीज लड़ रही हैं, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग उनके पास जाएगी, और जब डिसीजन मेकिंग आएगी तो उन कम्युनिटीज को इंक्लूडेड फील होगा, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को। इसके अलावा जरूरत है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाई जाए, जो गवर्नेंस है वो ट्रांसपेरेंट वेज में, ताकि कम्युनिटीज को पता हो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो समझे कि जो यहाँ पर डे टू डे गवर्नमेंट वर्किंग है वो अकाउंटेबल है, और समझ सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एलियनेटेड ना फील करे गवर्नमेंट से और साथ ही साथ मेन लैंड इंडिया से, ताकि उनको ये ना लगे कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी फोकस करें, क्योंकि एक मेजर कॉज है इस एरिया में जो राइजिंग मिलिटेंसी देखा जा रहा है, ताकि यहाँ पर टारगेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लिए जाए, ताकि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज एड्रेस हो, साथ ही साथ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, स्किल ट्रेनिंग हो और जॉब क्रिएशन हो। और यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन की बात की जाए, तो अगर एक्सेस बढ़ा दिया गया क्वालिटी एजुकेशन का और साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम होगा, यूथ जो है पॉजिटिव मींस में एम्प्लॉय होगी और रेडिकलाइजेशन और मिलिटरलाइजेशन से बचेगी, जो कि कंट्रीब्यूट कर सकता है मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में। साथ ही साथ जरूरत है कि सिक्योरिटी सेक्टर रिफॉर्म लाया जाए, इंटेंसिव मेजर्स लाइक आफ्सपा, जहां पर पब्लिक मिस्ट्रस्ट जो है ज्यादा बढ़ता है, उसकी जगह जरूरत है कि कम्युनिटी पुलिसिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग लाई जाए, और साथ ही साथ एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाए सिक्योरिटी पर्सनेल्स को अबाउट ह्यूमन राइट्स, ताकि उनके द्वारा अब्यूजेस, ह्यूमन राइट वायलेशन हमें देखने को ना मिले। अगर हम चाहते हैं हमारे कंट्री के किसी स्टेट में एक पीस,
ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन जो है एग्जिस्ट करे, तो ज़रूरत है कि जो वो एलिनिएशन फील कर रहे हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उनको नेगोशिएट किया जाए, उनके एलिनिएशन से उनसे ट्रस्ट गेन किया जाए और उनके जो इश्यूज हैं वो भी साथ साथ रिजॉल्व किए जाए। आई होप एट दिस पॉइंट आपको इस पूरे टॉपिक पे, डायमेंशंस पे काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। वी ऑल्सो हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू है, राइजिंग मिलिटेंसी इन मणिपुर हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट चैलेंज टू पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, डिस्कस द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ द इंसर्जेंसी एंड सजेस्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव इनक्रोच अप्रोच इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, सोशल एंड सिक्योरिटी रिफॉर्म्स टू एड्रेस द इशू इफेक्टिवली। Then the next part, how can the role of ethnic and community-based dialogue contribute to the peace building in the state? You can send in your answers in the comment section. Our team will get back to you on this. And for more such videos and content related information, subscribe to our YouTube channel. That was all from my side. Thank you so much.